मोदी जी ने जनसंख्या वृद्धि पर लाल किले से चिंता जताई है, क्या अब समय आ गया है कि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, हम दो हमारे दो, ये हिंदू समाज इसको फॉलो कर रहा है और हिंदू समाज में बहुत सारे समझदार लोग हैं जो सोचते हैं हाँ जनसंख्या कंट्रोलिंग रहना है, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, मेरी बेटी अच्छे से पढ़े, जितना उनका बजट होता है वो बच्चा विचार विमर्श करके उतनी ही वो संख्या के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो हम पांच हमारे 50 की स्कीम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सो मोदी जी जो विचारधारा जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जनसंख्या के ऊपर भी एक कानून लाने का जो उनका विचार है, ये बहुत अच्छा विचार है। सिर्फ एक समुदाय नहीं, हर समुदाय के लोग उनको सहयोग करेंगे, हर वह व्यक्ति उनको सहयोग करेगा, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है भारत देश का अभी 135 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी अगर इसी तरह से जनसंख्या पर अगर बिल नहीं लाया, अगर कंट्रोलिंग नहीं रहा, तो आने वाले समय में ना गाड़ी चलने के लिए मार्ग रहेगा, ना रहने के लिए घर रहेगा, ना पीने के लिए पानी रहेगा। इसलिए मोदी जी ये सब चीज़ विचार विमर्श करके जनसंख्या के ऊपर जो बिल लाने का जो विचार रखे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ मोदी जी को जो इतनी अच्छी सोच लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा था कि गोरक्षा के लिए मरेंगे मारेंगे, देश में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है, गायों की हालत खराब है, क्या कहेंगे इस बार? गौ हत्या पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा, ये मॉब लिंचिंग की जो घटना है ये घटनाएं बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों में गाय को देवी माना गया, माँ माना गया, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा गया गौ माता में, और उतनी पवित्र गौ माता को खुलेआम काटा जाता है, मांस को बेचा जाता है, और कुछ समुदाय तो ऐसे जानबूझकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक गंदा वो लोग कार्य करते हैं। तो इसलिए गौ माता के ऊपर, गाय के ऊपर एक बिल आने की आवश्यकता है। जब तक गौ हत्या पर बिल नहीं आएगा, मॉब लिंचिंग भी बढ़ेगी और कसाई भी मारे जाएंगे। भाजपा गोरक्षा की बात करती है, फिर भी इस मुद्दे पर आप और भाजपा आमने सामने होते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ, आज मैं विधायक हूँ, कल विधायक नहीं भी रह सकता हूँ, सीट जा भी सकती है, इसका कोई विश्वास नहीं है। लेकिन कल अगर मैं विधायक नहीं भी रहा तो मैं हिंदू तो रहूँगा। सबसे पहले हर वो व्यक्ति हिंदू होने का नाते अपना कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। हिंदू होने के नाते मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, गाय मेरी माता है, उसकी रक्षा करना मेरा काम है, मेरी हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करना मेरा काम है।